नमस्कार संजय सर, मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये मैथ्स की कैलकुलेशन का पार्ट नंबर 6 है। ये सीरीज हमने इसलिए चालू की है क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर हम इसमें वैसे शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं, बेहतरीन वीडियो है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं जो डिवीजन तो आपको करना है लेकिन डिवीजन मेथड यूज़ नहीं करना है। देखिएगा कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। ये आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तक की क्वेश्चन मिल जाता है। ये क्वेश्चन कैसे आता है, सॉल्व द फॉलोइंग विदाउट एक्चुअल डिवीजन, लेकिन ये कॉम्पिटिशन में भी आपकी मदद करेगा। कैसे, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, 286/5। तो जब 5 है तो 5 से आपको बता देते हैं, जब 5 आता है तो मोस्टली 5 को जो हम सम संख्या से गुणा करते हैं तो क्या बन जाता है, जीरोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो जीरो में हमें कन्वर्ट करना है, मेनली डिनोमिनेटर को क्या करना है, जीरो में कन्वर्ट करना है। तो हम एक काम करेंगे, 2 से नीचे और 2 से ऊपर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 6 12, 2 8 16 और ये 17 हो जाएगा, 2 2 5 4 5 हो जाएगा, ये 572/10। एक ज़ीरो है, इसको हम कैंसिल, 1 से डिवाइड करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दशमलव कितना आ गया, 57.2। ये फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्लियर, समझ में क्या होगा। तो दूसरा क्वेश्चन, 25 से डिवाइड करना है, 25 से डिवाइड करना है तो 4 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे से, 4 6 16, 4 2 8 1 9, 4 1 4, 496/25 100 हो गया। 2 ज़ीरो हमने यहाँ पे काट लिए, 1 2 2 के बाद दशमलव अप्लाई कर दिया, आंसर आ गया हमारा कितना, 4.96। तो हमने ये सॉल्व किया विदाउट एक्चुअल डिवीज़न। रियलिटी हमने 25 से डिवाइड नहीं किया, 4 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है, थर्ड ले लेते हैं। देख लीजिए 25 यहाँ भी है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से कर लिया, 4 से, 4 7 28, 4 6 24, 2 26, 4 8 32, 33 34, 4 1 4 3 7 आ जाएगा 25 6 100। फिर हमने 2 जीरो हटा लिए, 1 2 2 के बाद दशमलव अप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर हो गया 74.68। आपको समझ में आ रहा होगा। सॉरी, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 125 से डिवाइड करना है तो हम इसको 4 से सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 से, देखिएगा कितना आता है, 4 6 16, 4 5 20 और 1 21, 4 2 8 2 10, बटे 4 5 20, 4 2 8 2 10, 4 1 4 1 5, 500 हो गया। तो अब हम 2 से और मल्टीप्लाई कर लें तो 5 भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से, तो डायरेक्टली हम चाहे 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी ये हो जाता, 125 है तो 8 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्लियर है, 2 6 12, 2 1 2, 1 3, 0 2 1 2, ये हो जाएगा 1000। 1 2 3, 3 जीरो हमने काट दिए, 1 2 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2.032। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आ गया 625, तो 625 को हम सबसे पहले कोई सम संख्या से गुणा कर लेते हैं, 4 से गुणा करा लेते हैं, ऐसा करते हैं 4 से। अगर हम 4 से गुणा कराते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 4 5 20, 4 8 32, 33 34, 3 4 2 8, 8 3 11, 4 1 4 1 5, तो ये हमारा बन जाएगा 4 5 20, 4 2 8 2 10, 4 6 24 1 25। देखिए 25 आ गया तो फिर से क्या करना है, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देना है। ऐसा करने पर क्या आ जाएगा, 0 4 6 16, 4 1 4 1 5, 4 5 20, बटे ये 00 पहले लिख लीजिए, 25 6 100 हो जाएगा। 10 यहाँ से, 10 यहाँ से काट दीजिए, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ दशमलव अप्लाई कर दीजिए तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 2.056, ये आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं।
सिंप्लीफिकेशन की ये टेक्निक आपकी काफ़ी हेल्प करेगी कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम्स में। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।